कोरोना कर्फ्यू प्रदेश सरकार ने लगा दिया है, लेकिन इस व्यवस्था से सोलन के लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू लगाया है तो संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए था ताकि कोरोना पर नियंत्रण किया जा सकता, लेकिन प्रदेश में ज्यादातर व्यावसायिक संस्थान खुले हैं जिनका समय भी काफी लंबा रखा गया है। ऐसी स्थिति में कोरोना कैसे कम होगा यह उन्हें समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर दुकानें खुली रहेंगी और लोग अपने घरों से बाजार में आ जा भी सकेंगे, तो इसे कोरोना कर्फ्यू का नाम क्यों दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से कोरोना पर कोई नियंत्रण होने वाला नहीं है, अभी भी सरकार के पास समय है, वह इस व्यवस्था को सुधारे और कुछ ऐसे प्रबंध करे कि कोरोना को वास्तव में नियंत्रित किया जा सके। सोलन के व्यापारियों ने कोरोना कर्फ्यू पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में जो कोरोना कर्फ्यू लागू किया है यह व्यवस्था कर्फ्यू के नाम पर मजाक बनकर रह गई है। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि केवल बाजार की कुछ दुकानें बंद करवाई गई हैं और बाकी व्यावसायिक संस्थान खुले रखे गए हैं। उनके खोलने का समय भी सुबह से लेकर 6 बजे तक निर्धारित किया गया है, यह निर्णय बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में सरकार कोरोना पर नियंत्रण करना चाहती है तो वह संपूर्ण लॉकडाउन लगाए और जो दुकानें खोलनी बेहद आवश्यक है वह दुकानें भी 2 या 3 घंटों के लिए खोले, बाजार में लोगों को आने की स्वतंत्र अनुमति ना दी जाए, अन्यथा कोरोना को नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। ये जो कोविड कर्फ्यू है ये कोविड कर्फ्यू नहीं है, ये तो सिर्फ इसका मजाक बनाया जा रहा है। जब आप सिर्फ क्या कहते हैं 4 ट्रेड हैं वो बंद कर देंगे बाकी सारे खुली रहेंगे तो इसका मतलब 60% मार्केट तो खुली रहेगी, 40% से ही कोविड भागेगा क्या? कोविड अगर आपने भगाना है तो आप इसको पूर्ण संपूर्ण लॉकडाउन करें, और अगर आपने क्या कहते हैं ये असेंशियल आइटमों को खोलना भी है तो 2 घंटे का टाइम दिया जाए, सवेरे आप क्या कहते हैं वो दुकानें खोल दें और उसके बाद क्या कहते हैं 2 घंटे के अंदर बंदा सामान लेके वापस चला जाए। अगर आप इस तरह से सारा दिन बाजार खुला रखेंगे और 60% ट्रेड खुला रहेगा, सिर्फ 4 ही दुकानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? क्या 4 ही दुकानों को बंद करने से, 4 ट्रेड्स को बंद करने से क्या कहते हैं कोरोना भागेगा? चाहते हैं कि बाजार में रश कम हो, इसकी चेन टूटे, तो आप सिर्फ 10 से 1 सारे के सारी दुकानें खोल दो, पर 1 बजे सारे दुकानदार घर चले जाएं, 3 घंटे आप खोलने का, सबको काम करने का समय दो। जो मैंने पढ़ा अभी नोटिफिकेशन के अंदर उसके अकॉर्डिंगली अगर ये लॉकडाउन है तो ये लॉकडाउन तो नहीं है, तो आईवासी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है प्रशासन और सरकार। आप मेरे को खुद बताओ कि 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और कितने ट्रेड उसमें खुले रहेंगे? सिर्फ 2-4 ट्रेड को छोड़ के बाकी सारे ट्रेड खुले रहेंगे, बसें इनकी चली रहेंगी, वर्क फ्रॉम होम सरकारी काम होता रहेगा, लोग बाजार में 6 बजे तक घूमते रहेंगे, 5 की संख्या में नहीं घूमेंगे, 4 में घूमेंगे, 3 में घूमेंगे तो घूमेंगे ना। ये सरकार इस मामले को लेके मुझे लगता है सीरियस नहीं है, प्रशासन इस मामले को लेके सीरियस नहीं है। हम दुकानदार कुछ अभी आपस में चर्चा करेंगे इस विषय के, हम और को अगर जरूरत महसूस तो हम जिला प्रशासन से भी मिलेंगे। हम सरकार और प्रशासन के साथ है व्यापारी, हम कह रहे हैं कंप्लीट बंद करो, अगर आपने चेंज तोड़नी है, अगर आप सीरियस हैं तो कंप्लीट बंद करो, कुछ भी नहीं खुलना चाहिए, सिर्फ जो डेली रिक्वायरमेंट की आइटम्स हैं उसको 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए समय दो आप, उसके बाद आप सारा बंद करो। ये तो है नहीं कि आपके होटल खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, ढाबे खुलेंगे, मोमोज खुलेंगे, चाउमीन खुलेंगे, चाइनीज रेस्टोरेंट खुलेंगे, आपका हार्डवेयर खुलेगा, दवाई खुलेगा, राशन खुलेगा, सब्जी खुलेगा, फ्रूट खुलेगा, मीट की दुकानें खुलेगी, मछली की दुकानें खुलेगी, फिर बंद क्या रहेगा? क्या रेडीमेड जूता कपड़ा इलेक्ट्रॉनिक और मनियारी से क्या नाम कोरोना आ रहा है? हमारे तो समस्या है, और किसी भी एक समझदार व्यक्ति की समझ से ये जो लॉकडाउन का आदेश किया है ये समझ से बाहर है, और हम चाहते हैं कि इसको रेक्टिफाई किया जाए, और हम चाहते हैं कंप्लीट बंद करो ताकि ये कोरोना से अगर छुटकारा पाना है, कोरोना की चेन टूटनी है तो कंप्लीट बंद किया जाए इसको, ताकि कोई भी व्यक्ति बाजार में ना निकले, कंप्लीट कर्फ्यू लगा जाए, सारे अपने अपने घरों में रहें, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन ये नहीं चलेगा ऐसा कि भी आपने 50% से ज़्यादातर ट्रेड तो खोल दिया और 6 बजे तक दुकानें खुली रखी आपने, क्योंकि बहुत ज़रूरी आइटम है, उसको आप 9 से 11 या 8 से 12 जो भी आपने समय रखना 2-3 घंटे के लिए उनको अनुमति दें। देखिए ये जो सरकार ने नई SOP जारी की है जिसको जो है कोरोना कर्फ्यू के नाम से जाना जा रहा है, इसके अंतर्गत सरकार ने जो SOP जारी करी है वो समझ से बाहर है। ये सरकार की मंशा पे एक सवाल उठाता है कि इसमें जो है ऑनलाइन जितने भी स्टोर्स हैं वो आपको सप्लाईज करेंगे, और शहर की बहुत सी जैसे जो ज़रूरी चीज़ की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, और उसके टाइमिंग का भी समझ नहीं आ रहा। मैं तो सरकार सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक की दुकानें खुली रहेंगी, तो इससे और कोई इन्होंने ये भी कहा है कि 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते, सारा दिन भीड़ जो है चाहे वो इंडिविजुअल्स ही हों सारा दिन मार्केट में घूमते रहेंगे, इससे कोरोना वायरस की प्रोटेक्शन किस लेवल पर होगी? तो ये कर्फ्यू के नाम पर पूर्णतः मजाक है,
सरकार को इस ऑर्डर को रिवाइज करना चाहिए। और अगर आपने कोई भी दुकान खोलनी है तो चाहे किसी को भी जरूरत हो तो 3 घंटे के लिए खोलिए। जैसे पहले लॉकडाउन में 8 से 11 का टाइम था, वैसा ही 8 से 11 का टाइम सरकार को रखना चाहिए। और ये जो 6 बजे तक जो इतना लंबा जो टाइम दे रही है, इससे तो बीमारी का कोई प्रोटेक्शन हो ही नहीं सकती, इसे तो और उल्टा और बीमारी बढ़ेगी। मैं तो इनकी सरकार की कार्यशैली पे से ही परेशान हूँ कि ये करना क्या चाह रहे हैं, या इनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, या आप ये टोटली डिपेंडेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे हो गए हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है वही कर रहे हैं, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं है। किसी भी सरकार में आपको सोचना चाहिए इस बारे में कि इस समय देश में खतरा कितना है। और हिमाचल प्रदेश में अगर सेकंड स्ट्रेन के जो है बहुत से मरीज नहीं आए, अगर ये सेकंड स्ट्रेन हिमाचल प्रदेश में आ गया तो हमारे यहाँ तो कोई भी ना मेडिकल सुविधाएं हैं, ना यहाँ पर इतने डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, ना पैरामेडिकल स्टाफ है। खाली 250-200 बेड के अस्पताल बनाने से कुछ नहीं होगा, उसके अंदर हमारे को पैरामेडिकल स्टाफ भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए, वो कहाँ से आएंगे। इस बारे में सोचिए और सरकार इसको हर हालत में इस डिसीजन को कल ही रिवाइज करे और इसकी टाइमिंग चेंज करके 11 सुबह 9 से लेके या 8 से लेके 11 करे या 9 से लेके 12 करे। कहते हैं अगर ये लॉकडाउन लगे तो बिल्कुल कंप्लीट लगे, इसमें किसी की भी शॉप ना खुले और सिर्फ मेडिसिन की है कि मेडिसिन की एक शॉप खोली जाए। बाकी जैसे इन्होंने करियाने की दुकान बोली है, मीट की दुकान बोली है, हार्डवेयर की दुकान बोली है, सब्जी की दुकानें बोली हैं, और ये खुलने से क्या कोविड भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं भागेगा। हम चाहते हैं पूर्ण लॉकडाउन लगे, कर्फ्यू लगे, कोई भी सड़क में ना आ सके। तो हमारी सरकार से यही वो है कि आप इसको बिल्कुल बंद रखें और कोई भी बाजार में ना आए। आज भी आप करियाने की दुकानों में जाओ, रश में लगा है, मीट की दुकानों में जाओ, हलवाई की दुकानों में जाओ, हार्डवेयर की दुकानों में जाओ, तो क्या इनकी दुकानों में रश नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या वहाँ से कोरोना नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो 4 दुकानें बंद करने से क्या कोरोना भाग जाएगा? ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। हम चाहते हैं कि पूर्ण बंद हो, प्रशासन से हमारी यही है कि बिल्कुल पूर्ण बंद हो, कर्फ्यू लगा दे, कोई भी सड़क में ना आए।